नमस्कार, लाइव खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनीष पांडे और अब खबर विस्तार से। मऊ में भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 125 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन किया गया था, लेकिन 115 जोड़ों का पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समारोह में मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह कराया गया है। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में गरीब और बेसहारा परिवार की लड़कियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गई है। सरकार की तरफ से इस योजना का लाभ पाने वाले गरीब लोग और जोड़े जमकर सरकार की तारीफें करते हैं। इस सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से लड़कियों को 35,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसमें से 20,000 रुपए कन्या के खाते में डाले जाते हैं, तो वहीं 10,000 रुपए कपड़े खरीदने के लिए दिए जाते हैं, जबकि शेष बचे 5,000 रुपए अन्य खर्च के लिए दिए जाते हैं। जो गरीब लोग उसके माता पिता असमर्थ रहते हैं, उनके सरकार द्वारा जो ये आयोजन चलाया जा रहा है, इसमें काफी महत्व दिया जा रहा है इसको और काफी लाभ है देश के लिए, हमारे गरीबी के लिए बहुत अच्छा लाभ है। हम यही कहेंगे कि हमारे जो भी कदम उठाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10,000 का सामान मिला, बहुत खुश है। इस योजना के अंतर्गत, योजना का नाम है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इस सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न ब्लॉकों में विभिन्न तिथियों पर ऐसे गरीब परिवार के बच्चियों के शादी में 35,000 रुपये का अनुदान देने का काम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया है। सामूहिक विवाह योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से 35,000 रुपया देने का प्रावधान है, जिसमें 20,000 जो है लड़की के खाते में जाता है और 10,000 रुपया उसको सामान दिया जाता है और 5,000 रुपया व्यवस्था में खर्च के लिए आता है। और इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव खबर।